हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुराग ऑटो और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग सिंह। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जून के महीने में बिकने वाली टॉप 10 सेलिंग कार के बारे में। शुरू करते हैं। नंबर 10 पर रही मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी पिछले महीने 10486 यूनिट मारुति ने सेल की। अभी इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं हर गाड़ी का आपको प्राइस, बेसिक प्राइस जो बेस प्राइस है, इंजन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उसने ग्लोबल NCAP रेटिंग्स में कितने स्टार हासिल किए हैं, ये सभी गाड़ी के बारे में बताऊंगा। तो ग्रैंड विटारा के प्राइस जो शुरू होती है वो 10.7 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है। इंजन की बात करें तो इसमें दो तरह के इंजन आते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर ही CNG में दिया जाता है। पेट्रोल में दो तरह के इंजन आपको मिलते हैं, एक हाइब्रिड, दूसरा माइल्ड हाइब्रिड। अगर ग्लोबल NCAP रेटिंग की बात की जाए तो अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया गया है। नंबर 9 पर है मारुति की ब्रेजा, जिसकी पिछले महीने मारुति ने 10,578 यूनिट को सेल किया है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 8.3 लाख एक्स शोरूम से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल और CNG मिलती है। ये इकलौती सब 4 मीटर SUV है जो CNG में आती है। अगर ग्लोबल NCAP की बात की जाए तो जो पुराना मॉडल इसका आता था उसने ग्लोबल NCAP में 4 स्टार स्कोर किए थे, लेकिन ये जो नया मॉडल आया है ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो इसमें ये पता नहीं चल पाएगा कि ये नया वाला मॉडल कितने स्टार स्कोर कर पाएगा ग्लोबल NCAP में। और आपको मैं बता दूं कि ये हार्टटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, नई ब्रेजा, और मारुति की हार्टटेक प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी ग्लोबल NCAP में कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाई है। नंबर 8 पर है टाटा की पंच, जिसकी पिछले महीने 10,990 यूनिट को टाटा ने सेल किया है। प्राइस की बात करें तो ये 6 लाख से शुरू हो जाती है और इसमें एक ही तरह का इंजन मिलता है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। जल्दी ही इसे CNG में लॉन्च किया जाएगा। अगर ग्लोबल NCAP रेटिंग की बात की जाए तो इसने 5 स्टार की बेहतरीन रेटिंग स्कोर की है। नंबर 7 पर है मारुति की ही एल्टो, जिसकी 11,323 यूनिट को मारुति ने सेल किया है। अब यहाँ पर पुरानी एल्टो की बात नहीं हो रही है, ये टोटल सेल्स हैं एल्टो K10 की। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 3.99 लाख एक्स शोरूम से ये गाड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है और इसमें हमें 1.2 लीटर पेट्रोल और CNG का इंजन मिल जाता है। अगर ग्लोबल NCAP रेटिंग की बात की जाए तो इसने 2 स्टार की रेटिंग हासिल की है। नंबर 6 पर है हुंडई की वेन्यू, जिसके पिछले महीने 11,606 यूनिट को हुंडई ने सेल किया है। प्राइस की बात की जाए तो 7.7 लाख एक्स शोरूम से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है और इंजन में ये 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, साथ ही साथ एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी इसमें दिया जाता है। अगर ग्लोबल NCAP रेटिंग की बात की जाए तो इसने 3 स्टार स्कोर किए हैं। नंबर 5 पर है हम सबकी चहेती गाड़ी नेक्सोन, जिसके पिछले महीने 13,827 यूनिट को टाटा ने सेल किया है। प्राइस इसका 7.8 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। दो तरह के इंजन इसमें मिल जाते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये पहली SUV थी जिसने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार स्कोर किए थे इंडिया की तरफ से, और अगले महीने इसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है, तो जल्दी ही इसके फेसलिफ्ट आने के बाद इसकी सेल्स में और भी इजाफा देखने को ज़रूर मिलेगा। नंबर 4 पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 14,077 यूनिट को मारुति ने सेल किया है। इसकी प्राइस 6.6 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल और CNG इंजन मिल जाता है। अगर ग्लोबल NCAP की बात की जाए तो अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन रोड पर आए दिन इसकी टेस्टिंग होती रहती है और इसको कितना मिलेगा ये हम सभी जानते हैं। नंबर 3 पर है क्रेटा, जिसकी पिछले महीने 14,447 यूनिट को क्रेटा की सेल की गई हैं। प्राइस की बात की जाए तो 10.87 लाख एक्स शोरूम से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। इसमें दो तरह के इंजन मिलते हैं, 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। ग्लोबल NCAP की बात की जाए तो 3 स्टार इसने इसमें स्कोर किए हैं। नंबर 2 पर है स्विफ्ट, जिसकी 15,955 यूनिट को मारुति ने सेल किया है। अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो 5.99 लाख एक्स शोरूम से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल और CNG इंजन मिल जाता है, और ग्लोबल NCAP की बात की जाए तो इसने बहुत ही बेहतरीन 1 स्टार स्कोर किया है।
अब बात कर लेते हैं हम सभी की चहेती गाड़ी वेगनार के बारे में, जो हमेशा टॉप पर बनी ही रहती है। इसके पिछले महीने 17,481 यूनिट को मारुति ने सेल किया है। प्राइस की बात करें तो 5.5 लाख से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है। इसमें दो तरह के इंजन आते हैं, एक 1 लीटर दूसरा 1.2 लीटर, दोनों ही पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर ग्लोबल एनसीपी में बात करें तो इसने भी अपनी बड़ी बहन स्विफ्ट की तरह सिर्फ एक स्टार ही स्कोर किया है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जून के महीने में बिकने वाली टॉप 10 कार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।